अब मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने बाल्यकाल से आध्यात्मिकता मेडिटेशन के आधार पर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डेवलप करके एक्सलेंट किया है, ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर मोहित गुप्ता, जो डायरेक्टर और प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल हैं, आपसे निवेदन करती हूं अपना वक्तव्य हम सबके सम्मुख रखें। डॉक्टर मोहित गुप्ता, ओम शांति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ द डायस, कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका है? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है और उसको पिछले 20 सालों से डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ता है? और कैसा महसूस होगा हमें यदि हमें ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन में 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में दिक्कत होती है, आज भी है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक शक्ति, राजयोग की शक्ति के द्वारा वो अपनी दिनचर्या को आज भी सवेरे आरंभ करता है, ऑपरेशंस करता है और कर्मठता से अपना कार्य करता है। दोस्तों, ये योग की पराकाष्ठा है। जहां आज अभूतपूर्व प्रगति हमारी साइंस ने की है, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिकता की शक्ति को भुला बैठे हैं। आज अपनी इस जीवन यात्रा में मैं केवल आपको 3 शब्दों का स्मरण कराऊंगा और वो 3 शब्दों का स्मरण हम सबके लिए जरूरी है। हेल्थ केवल डॉक्टर्स का काम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो परमात्मा हम सबको ही डॉक्टर्स बनाता है, क्योंकि जब हमारा मन खराब होता है तो हम बीमार होते हैं। वो डिजीज वर्ड ही कहा गया है डिस और ईज, यानी जब हमारे संकल्पों से हमारी बीमारी आरंभ होती है, जब हमारे मन कमजोर हो जाता है तो बीमारी की महसूसता हमारे शरीर पर आती है। आज साइंस ये हमको बता चुकी है कि 90-95% हमारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका जो आरंभ है वो हमारे संकल्पों, हमारे मन में होता है। और यहीं पर आध्यात्मिकता हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ, पवित्र और शक्तिशाली बनाते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। अगर आज हम अपने हेल्थ केयर को, अपने स्वयं को, स्वास्थ्य को, अपने रिश्तों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला शब्द जो हम सबको अपने जीवन में स्मरण करना पड़ेगा वो है यथार्थ संवाद। धैर्यपूर्ण संवाद के बिना किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। आज कहीं ना कहीं अपने जीवन में अधीर होने के कारण डॉक्टर्स और पेशेंट रिलेशनशिप में, अपने परिवार के संबंधों को देखिए, उसमें भी धैर्यता ना होने के कारण हमारा संवाद ठीक नहीं होता और हम मरीजों की बीमारियों को, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते और इस कारण हम केवल उनके शरीर का इलाज करते हैं, उनके मन की भावनाओं का इलाज नहीं करते। इस संवाद के साथ जब जीवन के अंदर संवेदना आती है, कंपैशन आता है, करुणा आती है, वो संवेदना जिसके अंदर महसूसता हो, वो संवेदना जिसके अंदर दूसरे के दर्द की स्वयं अनुभूति नहीं लेकिन उसके प्रति जागृति हो, वो संवेदना हमारे जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को परिवर्तित करके श्रेष्ठ बना देती है, उसको हील कर देती है। हम दवाई दे सकते हैं, दवाई उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन वो मन कहां, उस मन का उपचार कौन जो उस बीमारी का कारण बना? वो दर्द, वो दुख, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, घृणा, वो कंपैरिजन, वो क्रिटिसिज्म, वो हमारे संबंधों के अंदर मन मुटाव जो आज हार्ट अटैक, कैंसर, पेट की बीमारियों का एक जड़ बन चुका है, उस बीमारियों का इलाज कौन करेगा? उसका इलाज केवल डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखकर नहीं कर सकता, उसके लिए हम सबको अपने रोल को हायर कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट करना पड़ेगा, अर्थात हमें हीलर बनना पड़ेगा। और हीलर केवल डॉक्टर्स नहीं, हम सबके अंदर ये शक्ति है कि हम हील कर सकते हैं। और तीसरा शब्द जो हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है, संवाद और संवेदना के साथ सहयोग। आज सलाह मत दीजिए, सलाह जीवन की सबसे सस्ती चीज है, एक मांगो तो हजारों मिल जाती है, लेकिन सहयोग भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास चलकाता है।
जिसने ना केवल विश्व गुरु के रूप में भारत के ही लोगों को सहयोग दिया, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के अंदर योग का संदेश देकर, उनकी आत्मिक जागृति का संदेश देकर उनको सहयोग दिया। आज हमारे स्वास्थ्य को भी हर व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है। तो आज इस मन से मैं केवल आप लोगों को यही संदेश दूंगा कि जागृत करिए अपनी आत्मा को। केवल ये एक व्यक्ति, एक गुरु, ये प्रवचन देने वालों का नहीं, हम सब के अंदर ये अभूतपूर्व शक्ति है कि हम अपनी आत्मा की उन क्वालिटीज को जागृत करके हर व्यक्ति, हर आत्मा की दुख भरी आत्मा को, दुख के उनके कष्ट को हम हर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं। आज ध्यान रखिएगा कि आज का ये दिन हमारे बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा। आज के बाद हम अपने जीवन को कैसा चलाएंगे वो केवल हमारे संकल्पों पर निर्णय करेगा, हमारी सोच पर निर्णय करेगा। अपने संकल्पों को जागृत करिए, उनको परमात्मिक ज्ञान से, परमात्मिक शक्ति से, राजयोग की शक्ति से उसको शक्तिशाली बनाइए। यही संकल्प में जब साधना का घृत डलता है तो ये सिद्धि स्वरूप का वरदान हमको प्राप्त करा देते हैं। और दोस्तों, बीमारियां हमारे पास नहीं, हमारे से दूर ही भागती चली जाएंगी। ये संसार, ये विश्व खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। एक संकल्प परिवर्तन से दृष्टि परिवर्तित होती है, एक दृष्टि परिवर्तित से हमारी कृति परिवर्तित होती है, एक कृति परिवर्तित से हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है, और मात्र हमारी संस्कृति परिवर्तित से हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। संकल्प से ही सृष्टि हमारे जीवन का, राजयोग का आधार है। शुक्रिया। ओम शांति।